जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब। इसमें सीखेंगे कैसे किसी भी नंबर का हम घन या क्यूब हम कैसे निकालते हैं। क्यूब आप लोग समझते होंगे कि जब हम एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्यूब कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए 2 है, तो 2 का क्यूब ये हुआ उसके पावर में 3। इसका मतलब होता है कि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर a का क्यूब है यानी कि a को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब हम सीखते हैं। 1 से 9 तक जो 1 डिजिट का नंबर होता है वो आसानी से आप मल्टीप्लाई करके ही क्यूब निकाल सकते हो, बट अगर 2 डिजिट का नंबर है और वो बड़ा है नंबर, तो उसको हम कैसे उसका क्यूब हम निकालेंगे, आइए एक ट्रिक के माध्यम से हम सीखते हैं। सबसे पहले हम 2 डिजिट का कोई छोटा सा नंबर लेके सीखते हैं। मान लीजिए हम 12 लेते हैं, इसका हमें क्यूब निकालना है यानी कि घन निकालना है। अब इसको सीखने से पहले इस ट्रिक में हम जो सीखेंगे उसमें हम रेशियो के द्वारा हम इसका क्यूब निकालेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को रेशियो आता होगा। मान लीजिए कि 1:2 है, ठीक है, ये रेशियो में है मेरा। तो अगर 1 मेरा है 10 के बराबर, तो फिर इस साइड वाला मेरा क्या हो जाएगा, 20, यानी कि इसका डबल है। 10 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो आप लोगों को आना चाहिए। उसके माध्यम से हम लोग इस क्यूब करने के ट्रिक को सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का प्लेस बना लेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब इस साइड हिंदुस्तान हो गया तो उस साइड पाकिस्तान हो गया, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो 2 है मेरा इसका क्यूब निकालना है। तो 2 का क्यूब 8 होता है, हमें मालूम है। 1 का क्यूब 1 होता है, ये भी हमें मालूम है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सब यहाँ पे लिख लीजिए, हमको इसको 1:2, ये जो मेरा नंबर दिया है इसको हम 1:2, ये मेरा रेशियो में इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम उसी तरह रेशियो में हम इसको कर लेंगे। जैसे ये 1 है इधर, तो इसका रेशियो इधर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर ये 2 के जैसा यहाँ पे 8 है 2 के जगह पे, तो इस साइड इस पे क्या हो जाएगा इसका रेशियो में, तो ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। 2 का आधा 1 होता है ना, 2 से 2 को डिवाइड करने पे 1 आता है, तो 8 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया। ये आप लोग समझते होंगे। अब फिर क्या करेंगे, बीच वाले जो नंबर है ये दोनों, इसका हमको डबल लिख देना है यहाँ पे। तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 का डबल 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम ऐड इसमें करेंगे, 8 है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी में 1 रहेगा, 4 और 2 6 और कैरी वाला 1 7 और ये फिर 1, तो मेरा 12 का क्यूब 1728 आ गया, ठीक है। आइए इसी ट्रिक से अब हम कोई और नंबर का क्यूब निकालते हैं। 3 एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, सिर्फ समझिए अभी आप, सिर्फ देखिए इसको, उसके बाद चौथा जो एग्जाम्पल मैं लूंगा वो आप भी खुद अपने घर पे सीख लोगे, आप खुद से घर पे बना लोगे। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं 14 लेता हूँ, ठीक है, इसका मेरे को क्यूब निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 डिजिट का प्लेस लेंगे हम, ठीक है, उसके बाद इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डिवाइड कर देंगे, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, 4 का हमको क्या लिखना है, क्यूब, तो 4 का क्यूब हो जाता है 64, ठीक है। 1 का क्यूब तो 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा 1 और 4 है, इसको हम 1:4 का रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो अगर ये 1 है तो इसके जगह पे 4 हो जाएगा रेशियो में जब हम करते हैं तो, और ये 64 है तो ये मेरा हो जाएगा 16। मतलब 1 से 4 4 टाइम्स बड़ा है, उसी तरह 16 से 64 4 टाइम्स बड़ा होता है। ये हो गया। अब फिर इसका डबल लिख देंगे, तो 4 का 8 और 16 का 32, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम ऐड कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए 4 है, अब हमको यहां पे 1 डिजिट को लेना है और 1 डिजिट जो इस साइड वाला बचता है उसको कैरी में कर देना है। 4 का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये 6 है, 6 मेरा कैरी में आ जाएगा, 6 2 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी में 1 रहा। चलिए इसको जोड़िए, 3 1 4 और 1 5, ये मेरा कैरी वाला हो जाएगा, ये जो है मेरा इस साइड वाला, सिर्फ 1 डिजिट को ही हम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद वाला जो मेरा होगा ना वो
कैरी हो जाएगा, इसके जगह यहाँ पे लिख देते हैं 4, ठीक है। चलिए इस साइड कैरी होगा कितना मेरा 3, 1, 4 और 1, 5। अब इस पे ऐड कीजिए आप 8, 4, 12 और इधर का 5, 12 और 5 मेरा हो जाता है 17, 17 का 7, फिर कैरी में मेरा 1 रहा और ये 1 से ऐड करेंगे, ठीक है, इसका कैरी वाला 1 है, अब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2744 ये मेरा 14 का क्यूब होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम 21 का क्यूब निकालना है हमें, ये लेते हैं 21 का क्यूब, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 4 डिजिट का प्लेस देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए अब 2 का क्यूब 8 यहाँ लिख दें, 1 का क्यूब 1 यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब फिर क्या करना है, इसको हमको 2:1 के रेशियो में हमको लिखना है, 8 है इधर तो इधर क्या हो जाएगा मेरा 4, ठीक है, 2:1 के रेशियो में ही हो गया, इसको भी 2:1 के रेशियो में करना है, इधर 1 है तो इधर हो जाएगा 2। अब बीच वाले का डबल करना है 4, 4, 8, 2, 2, 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 का 1 हो गया, 4, 2, 6, 8, 4, 12 का 2, कैरी मेरा 1, 8 और 1, 9, तो 9, 2, 6, 1 ये जो मेरा है ये हो जाता है मेरा 21 का क्यूब। चलिए अब हम 82 लेते हैं, इसका हमें निकालना है क्यूब, फिर उसी तरह 4 प्लेस लेंगे हम 4 डिजिट के लिए, ठीक है, फिर इसको इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर देंगे। चलिए अब क्या करना है, 8 का यहाँ पे लिखना है क्यूब, 2 का क्यूब यहाँ पे लिखना है, 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या करना है, इसको हमें 8 और 2 के रेशियो में डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो जाएगा मेरा 8 और 2 के रेशियो में हम इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 32, ठीक है। उसके बाद फिर इसको 8 और 2 के रेशियो में करेंगे, देखिए रेशियो करने में भैया इसमें सिखा देता हूँ, जैसे 512 है तो 512 को आप सबसे पहले 8 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा हो जाएगा 128, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको इसको डबल करना है, तो 32 का डबल हो जाएगा 64, 128 का डबल हो जाएगा 256, कुछ नहीं करना है, ऐड करना है इसको। चलिए अब ऐड करते हैं, 8 का 8 हो गया, ध्यान रखिएगा मेरे को एक डिजिट को ही लिखना है, बाकी का मेरा कैरी में चला जाएगा, 4, 2, 6, 6, 3, 9 जो है वो मेरा चला जाएगा कैरी में इस जगह पे। अब आप ऐड कीजिए 9, 6, 15 और 8, 15, 8, 23 होता है, का 3 यहाँ पे लिख दिया, 2 मेरा कैरी पे चला जाएगा, यानी कि ये टोटल को जोड़ के इस पे कैरी हो जाएगा, यानी कि 5, 2, 7 और 2, 9 और 2 और 1, 3। अब इसको ऐड कीजिए तो 9, 2, 11 का 1 कैरी में, 1, 3, 1, 4 और 1, 5 और ये 5, यानी कि 5, 5, 1, 3, 6, 8 ये है मेरा 82 का क्यूब, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम 57 का क्यूब निकालेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी होगा, आइए देखते हैं, बट उसी ट्रिक से बनाएंगे और बिल्कुल इजी है, डरने की बात नहीं है। सबसे पहले 4 डिजिट का प्लेस लेंगे, ठीक है, इसको भी इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर देंगे। चलिए अब फिर क्या करना है, 5 का मेरे को क्यूब लिखना है, 5 का क्यूब 125 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7 का क्यूब लिखना है, 7 का क्यूब 343 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का क्यूब आप लोग निकाल लीजिएगा, जैसे निकालते हैं 7 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके ये 343 आता है मेरा। चलिए उसके बाद फिर क्या करना है, इसको 5:7 के रेशियो में डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको सबसे पहले आप लोगों को बताया कि 125 को इधर वाले से डिवाइड कीजिएगा और इस साइड वाले से गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो मेरा आता है 175, ठीक है, इधर रेशियो में, ये 343 है, इसके लिए भी आप कर सकते हो कि 343 को इस 7 से डिवाइड करना और इस साइड वाले से मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा हो जाता है 245, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, डबल लिख देंगे 490,
245 का डबल 490, 175 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 350, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम ऐड करेंगे। मैंने बताया था कि हमें एक डिजिट को लेना है और बाकी का जो डिजिट बचता है लेफ्ट साइड वाला उसको कैरी में लेना है। जैसे 3, तो 3 तो मैंने ले लिया, बट ये 34 जो है मेरा ये कैरी में आ जाएगा इधर, ये आ गया। अब इसको ऐड कीजिए, 5 और 4 9, फिर एक डिजिट लेंगे बाकी का कैरी में आ जाएगा इस साइड, 9 4 13 और 3 16 का 6 कैरी में, 1 4 2 6 और 1 7 ये इस साइड कैरी में आ गया था, ध्यान से रखिएगा। इसको मैं डबल बता दूंगा आपको, एक बार और बता दूंगा। चलिए अब इसको एक बार ऐड कीजिए, तो 6 और 5 11 का 1 और कैरी में 1 1 होगा, बट ये यहाँ पे नहीं ऐड होगा, अब ये टोटल इस साइड आ जाएगा मेरा, इसके कैरी बनेगा। तो 7 5 12 और 7 19 और 1 20 0 कैरी मेरा 2 3 2 5 और 1 6 यहाँ आ गया। अब इसको ऐड कीजिए, 5 0 5 6 2 8 और ये 1, यानी कि मेरा 185193, ये मेरा 57 का क्यूब है। ठीक है, आइए एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको चार प्लेस के लिए, इसको चार डिजिट का प्लेस के लिए इसको हमने जगह बनाया, यहाँ पे प्लेस बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 5 का क्यूब लिखा 125, 7 का क्यूब लिखा 343, क्यूब निकाल लेंगे आप खुद से। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसको रेशियो में इसको कन्वर्ट करना था, तो 125 का 5:7 रेशियो में हम लिखें तो यहाँ पे 175 हो गया, मैंने उसका प्रोसेस बता दिया यहाँ पे रेशियो निकालने का। फिर 343 का जब रेशियो में इस 5:7 के रेशियो में हमको लिखना है तो यहाँ पे 245 हुआ, इसके लिए भी मैंने बता दिया ये है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका डबल लिखा यहाँ पे 490, 175 का डबल लिखा 350। ठीक है, अब हमें ऐड करना है, ऐड करते हैं, ध्यान रखेंगे कि एक डिजिट ही मेरे को लिखना है, बाकी का कैरी में चला जाएगा नेक्स्ट वाले पे। तो 3 का हमने 3 लिख दिया, बाकी का 34 यहाँ पे कैरी इस साइड वाले में आ गया 34, बट इसमें भी एक डिजिट ही मेरे को लिखना है, तो 5 और 4 9 हमने लिख दिया, बाकी का ये सारा जो बचेगा इस इधर वाला, ये टोटल हो जाएगा मेरा कैरी और ये इधर आ जाएगा। जब हमने ऐड किया तो ये मेरा होता है 76, तो हमने यहाँ पे 76 लिख दिया। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, 6 और 5 को ऐड करके 11 किया, फिर मेरा 11 का 1 यहाँ पे तो हो गया, बट 1 कैरी में बच गया, उस कैरी को हमने यहाँ पे लिखा और इसको फिर इस पूरे को हम इधर कैरी बनाएंगे। जब हमने इसको ऐड किया 17 35 7 और 1, ठीक है, इनको ऐड किया तो वो होता है मेरा 60 को हमने इधर ले आया और ये कैरी में बना गया, बन गया। ठीक है, अब जब हमने इसको ऐड किया, अब इधर पूरे ऐड कर देना है, ठीक है, जितना भी हो ये सारा ऐड हो जाएगा, और जब हमने ऐड किया तो ये मेरा 185 बना, और जो ये मेरा टोटल डिजिट आता है वही मेरा इसका क्यूब होता है, तो ये मेरा हो गया 185193, 57 का क्यूब। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग 2 डिजिट के नंबर का क्यूब बहुत ही इजी वे में समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।